Hi everyone, welcome to my channel. Today I'm going to talk about Voice of the Unwanted Girl by Sujata Bhatt. Sujata Bhatt कौन है? ये one of the finest living poet है हमारे literature में. इनको Commonwealth Poetry Prize मिला हुआ है. इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है, इनको Commonwealth से नवाजा गया है. Commonwealth Poetry Prize मिला गया है poetry के लिए. Second, इनकी main theme क्या रहती है? Gender biasness पर बात करती थी, जो कि बहुत बड़ा टॉपिक है. जेंडर बायस का मतलब जहाँ मेल्स को सुपीरियर कंसिडर किया जाता है फीमेल्स के बाद, फीमेल्स के लिए ऐसा दिखाता है जाता है ना कि फीमेल्स जो है वो तो इंफीरियर है मेल्स से, सब कुछ मेल्स ही कर सकता है. अगर आपके घर में आदमी है या फिर बॉय है तो वही आपका नाम रोशन करेगा. फीमेल्स कुछ नहीं कर सकती, दे आर ऑलवेज मेंट फॉर द हाउस वाइफ या फिर हाउस होल्ड वर्क के लिए. तो इस चीज़ को उन्होंने नकारा है, इस चीज़ को वो एक लाइट दिया है उन्होंने कि बताया जाए कि कैसे फीमेल्स आर ऑल्सो शुड बी कंसिडर्ड एज अ इम्पॉर्टेंट इक्वल स्टेटस, शी शुड बी गिवन द इक्वल स्टेटस इन द सोसाइटी. मेन और फीमेल्स दोनों को बराबर की हिस्सेदारी दी जाए. क्यों? क्योंकि फीमेल्स किसी भी, आप ऐसे मान लीजिए किसी भी फील्ड में, कोई भी फील्ड हो उसमें वो बिल्कुल भी इंफीरियर नहीं है, वो हमेशा बराबर की टक्कर दे सकती हैं मेल्स को. तो वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल ये स्टोरी एक शॉर्ट स्टोरी है जो बताती है एक ऐसी बच्ची के बारे में जो इस दुनिया में नहीं आई है और उसे मार दिया जाता है. शी इज कंप्लेनिंग दिस टू हर मदर, वो अपनी माँ से कंप्लेन करती है कि माँ तुमने भी मेरे साथ ऐसा क्यों होने दिया, जबकि भगवान चाहता था कि मैं आऊँ बट आप नहीं चाहती थी कि मैं यहाँ आऊँ. अब आप मुझे ढूंढोगे तो भी मैं आपको नहीं मिलूंगी. सो दिस इज अ ब्यूटिफुल स्टोरी ऑफ अनवांटेड गर्ल. आज हमारे देश में कितने ज़्यादा अबॉर्शंस होते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ अ मेल चाइल्ड, उसके बारे में उन्होंने, ये एक बहुत ही डेलिकेट टॉपिक है जो सुजाता भट्ट हमारे सोसाइटी में लेकर आई हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट लाइंस ऑफ द टेक्स्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू अबाउट द समरी ऑफ दिस पोयम, फिर हम इम्पॉर्टेंट लाइंस डिस्कस करेंगे. इन आवर सोसाइटी गर्ल्स आर ट्रीटेड एज इंफीरियर टू बॉयज. हमेशा गर्ल्स को जो है नीचा दिखाया जाता है एज कम्पेयर टू बॉयज. अगर आपके घर में लड़की है तो शी विल बी लाइक कि तुम घर का काम करो. अगर आपके घर में बॉय है तो उसे हमेशा बाहर का काम दिया जाता है. उस टाइम की बात कर रही हैं ये सुजाता भट्ट, और आज की भी कुछ दौर में ऐसी चीजें होती हैं. द बर्थ ऑफ अ गर्ल इज कंसिडर्ड अ मिसफॉर्च्यून. हमेशा जब भी एक लड़की का जन्म होता है ऐसा दुर्भाग्य माना जाता है कई जगह पर. द टेक्निक दैट हेल्प्स टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड इज यूज्ड अगेंस्ट द गर्ल चाइल्ड. एक टेक्निक यूज होती है जो आजकल इलीगल कंसिडर करती है, पर कई पैसे देकर आजकल भी अबॉर्शन के टाइम पे बता दिया जाता है कि फीमेल्स है या मेल है, राइट, फीमेल बच्ची है या मेल चाइल्ड होगा. तो इस चीज को लेकर ये एक मेजर और एक सेंसिटिव इशू है सोसाइटी का जो सुजाता भट्ट लेकर आई है. दैट इज वाई द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स वाइडन डे बाय डे. अगर हम सेक्स रेशियो की बात करें, हमारे इंडिया के सेक्स रेशियो की बात करें या फिर पूरे वर्ल्ड के, तो मेल्स आर ग्रोइंग डे बाय डे आज भी एंड फीमेल्स आर डिक्लाइनिंग. क्यों? बिकॉज मेल चाइल्ड की जो प्रॉब्लम है वो चाहते हैं कि उनके हर बच्चे के पास, हर फैमिली के पास एक मेल बच्चा हो, एंड फीमेल्स को वो पैदा होने से पहले ही मार देते हैं ड्यू टू अबॉर्शन. एक टेक्निक होती है जिससे हम जान सकें कि हमारे यहाँ फीमेल होगी या मेल होगा. इस चीज की वजह से जैसे बेटी होगी और आपने मारने का मुझे फैसला ले लिया था, अ गर्ल इन द एंड दी हैड टू गिव मी एन इंजेक्शन टू किल मी. वो अपनी माँ को बताती है कि कैसे उसे एक इंजेक्शन दिया गया जिसकी वजह से उसे मार देंगे, मार दिया गया. अब बच्ची बोल रही है, बिफोर आई डाइड आई हर्ड द ट्रैफिक रशिंग आउटसाइड. अब वो बता रही है कि उसके आसपास, ऑब्वियसली एक माँ के अंदर जब एक बच्ची होती है तो वो सब कुछ महसूस कर सकती है, एक लिविंग पार्ट होती है वो अपनी माँ का, अटैच होती है. तो वो डिस्क्राइब करती है कि कैसे वो एक ट्रैफिक, बाहर ट्रैफिक की जो आवाज़ें होती है वो सुन सकती है, मानसून का मौसम होता है उसे वो महसूस कर सकती है. द विंड सल्किंग थ्रू द सिटी, कैसे हवाएं चल रही होती हैं आसपास के शहर में. I could have clutched the neon blue.
शी इज कंप्लेनिंग, टोटली कंप्लेनिंग टू हर मदर कि आपने ऐसा क्यों किया, डॉक्टर ने आपको जैसे ही कहा कि मैं एक बच्ची होने वाली हूँ आपने तुरंत मुझे मारने का फैसला किया. द स्पीकर इन द पोयम इज एन अनवांटेड गर्ल हु वाज डिस्ट्रॉयड बिफोर शी वाज बोर्न. सो सी कि कैसे उसे मार दिया गया उसके पैदा होने से पहले ही. शी इज स्पीकिंग टू हर मदर. द गर्ल टेल्स हर मदर हाउ शी डिस्ट्रॉयड हर. द डॉक्टर टोल्ड हर दैट द बेबी वुड बी अ गर्ल. She put on her green sari and went to a hospital to have the child destroyed because the girl was unwanted. The mother already had one daughter. अब उसकी जो मामा थी, उसके उनके already एक daughter थी. इस चीज की वजह से वो नहीं चाहते थे कि दोबारा उनको फिर से एक बेटी हो. तो उन्होंने फैसला लिया कि मैं इस बच्चे को गिरा दूँगी. The doctors gave an injection to kill the girl. The mother did not even care to look at the girl. She वो एक complain कर रही कि आपने मुझे देख हिम्मत नहीं की और मुझे मारने का फैसला ले लिया. आफ्टर द गर्ल वॉज डिस्ट्रॉयड एवरीवन वॉज हैप्पी. जैसे ही गर्ल को मार दिया जाता है सब खुश हो जाते हैं फैमिली मेंबर्स कि अब हमारे यहाँ फिर से लड़की पैदा नहीं होगी. सी ये आज की सोसाइटी के बारे में भी बात कर रही हूँ, पुराने जमाने के बारे में भी बात कर रही थी और वो लिंक कर रही है इस चीज को हमारे आज की सोसाइटी में. द मर्डर्ड गर्ल चाइल्ड आस्क हर टू लुक फॉर हर इन वेन बिकॉज शी वॉज लॉस्ट फॉर एवर. अब वो अपनी माँ को कहती है कि आप मुझे ढूंढोगी तो भी मैं आपको नहीं मिलूंगी. क्यों? क्योंकि मैं खत्म हो चुकी होंगी, मुझे मार दिया जाएगा फॉर एवर. शी विल नॉट ग्रो अप इनटू अ ब्यूटीफुल गर्ल टू बी एडमायर्ड बाय समवन. अब आपकी वजह से मैं बड़ी होकर एक ब्यूटीफुल गर्ल नहीं बन पाऊंगी. क्यों? क्योंकि आपने मुझे बचपन में ही मार दिया. शी टेल्स हर मदर दैट शी हैज एक्टेड अगेंस्ट द विल ऑफ गॉड. God wanted her to live and grow up naturally. वो अपनी माँ को कंप्लेन करती है कि गॉड जो थे वो चाहते थे कि मैं ग्रो हूँ नेचुरली, ब्यूटिफुली इस दुनिया को देखूँ, जन्म लूँ, पर आपने गॉड के विल के अगेंस्ट काम किया और मुझे मार दिया. दैट्स यू नो दैट इज सो मच यू नो आप बोल सकते हो कि कितना इनह्यूमन थिंग है एक मदर के लिए अपनी बच्ची को मारना बिना उसे देखे. The God wanted her to live and grow up naturally. पर उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी बच्ची को मार दिया. No one wanted to touch me except later in the autopsy room. अब क्या होता है कि जब एक बच्ची का अबॉर्शन हो जाता है तो एक ऑटोप्सी रूम में उन्हें ले जाया जाता है और बता दिया जाता है कि अब इन्हें मार दिया जाएगा एक इंजेक्शन के थ्रू. I looked like a sliced peanut pomegranate. जो एक प्रेग्नेंट लेडी होती हैं अगर वो अबॉर्शन कराती हैं तो उनके अंदर जो बेबी होता है वो एक पॉमीग्रेनेट की तरह होता है, एक छोटे अनार के दाने की तरह. तो अनार के दाने को आप कैसे काटोगे, राइट? एक छोटा टाइनी अनार का दाना. तो वो बता रही है कि कैसे मुझे बीच में से काट दिया गया, लाइक अ स्लाइस पॉमीग्रेनेट. अब आप सोच सकते हैं छोटे से अनार के दाने को हम कैसे काट सकते हैं, राइट? तो वो उसके बारे में डिपिक्ट करती है. द फ्रूट यू नेवर टच्ड. मैं एक ऐसा फ्रूट हूँ जिसको आपने कभी छुआ तक नहीं. आई एम द वन यू सेंट अवे. When doctor told you I would be a girl, your second girl, पहला उनको एक girl हो चुकी है. Afterwards, as soon as you could put on your grass green साड़ी, उसके बाद आपने अपनी green साड़ी पहनी और वहाँ से चली गई. आपको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा कि मैं मर जाऊँगी या मुझे मार दिया जाएगा या मुझे कैसे भी करके एक बार रोक लो. Now the next, afterwards, मतलब जब उसे मार दिया गया. After the baby was killed. After the baby was killed. ये बहुत sensitive issue है हमारी society के लिए जो सुजाता भट्ट लेकर आई है. Everyone smiled. सब खुश हो गए family में. Ask you to look for me, mother. Look for me because I won't come to you in your dreams. अब वो बच्ची कह रही है अपनी माँ से कि अब आप मुझे ढूंढती रहो ना, मैं आपको आपके सपने में भी नहीं आऊँगी. Look for me because I won't be a flower, I won't turn into a butterfly. अब क्या होता है कि एक छोटा सा बच्चा या जानवर जन्म लेता है उसके बाद वो एक बटरफ्लाई की तरफ रूप लेता है. बट अब मैं वो भी नहीं हो पाऊंगी, ना मैं एक फ्लावर बन पाऊंगी ना मैं एक बटरफ्लाई बन पाऊंगी. आई एम नॉट पार्ट ऑफ एनी वन सॉन्ग और ना ही मैं किसी के गाने के लिए एक सॉन्ग भी नहीं बन पाऊंगी. लुक और ये सब कुछ किसकी वजह से? आपकी वजह से. लुक फॉर मी मदर बिकॉज दिस इज नॉट गॉड्स विल. ये भगवान का इशारा नहीं था. भगवान चाहते थे कि मैं बड़ी हो एक नेचुरली एक ह्यूमन बीइंग की तरह जीऊँ, बट आपने क्या किया, आपने मुझे मार दिया जस्ट फॉर द सेक ऑफ बॉय.
Look for me, mother, because I smell of a formaldehyde. Formaldehyde is a pungent smell होती है, इसकी एक chemical होता है जिससे चीजें खराब नहीं होती जल्दी. आपके shampoos वगैरह होते हैं right? तो उसमें formaldehyde डाला जाता है ताकि वो ज्यादा time के लिए use हो सके. And still I wish you would look for me, mother. पर फिर वो बच्ची at the end बोलती है कि काश ऐसा हो माँ कि आप मुझे ढूंढो पर मैं अब आपको नहीं मिलूंगी. क्यों? क्योंकि मुझे आपने खुद ने अपने हाथों से मरवा डाला, मार दिया. सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. दिस इज अ वेरी सेंसिटिव इशू ऑफ आवर सोसाइटी विच इज नेवर एंडिंग. इलिटरेसी जब तक रहेगी हमारी सोसाइटी आगे नहीं बढ़ेगी. तो ये बहुत सेंसिटिव इशू है बाय सुजाता भट्ट. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. सो डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन विद द बेल आइकन सो दैट यू गाइस गेट नोटिफाइड व्हेनेवर आई पोस्ट द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.